कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइटेशंस टाइट्रेशंस जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं कॉम्प्लेक्सेज एक लीगेंड यानी एक कैप्चर करने वाले सब्सटेंस uh, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ एक मेटल आयन है जिसको कैप्चर कर रहा है तो कॉम्प्लेक्सेज या कॉम्प्लेक्सेज बनेंगे जहाँ पे मेटल आइंस को हमें पिक करना है किसी भी सोलूशन से मेटल आइन एनालाइट के तौर पर काम कर रहे हैं वो यूनी पॉजिटिव वन फॉर्म में भी हो सकते हैं या पॉजिटिव टू फॉर्म में जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है पॉजिटिव थ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और इन पर डिपेंड करते हैं मुख्तु किस्म के लिगेंट इस्तेमाल करते हैं जो इन आइन्स को पिक करने के या इनको इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के इनको अलग करने का काम करते हैं जो चीज़ कॉम्प्लेक्स कर रही है जो उसे पकड़ रही है ग्रैप कर रही है उसे लिगेंट कहते हैं और मेटल आयन ये हमारा एनालाइट कहलाएगा मेटल आइन इसकेटाइन एनालाइट जो चीज़ ग्रिप कर रही है उसे लिगेंट्स कह सकते हैं कीलेटिंग एजेंट कहते हैं अगर हमारा बनने वाला मॉलिक्यूल वाटर सॉलबल हो तो उसे सुक्स्टिंग एजेंट्स भी कहते हैं और इन दोनों के मिलने से जो फॉर्मेशन बनती है उसे कॉम्प्लेक्स साइंस कहते हैं या मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कीलेट्स कहते हैं तो ये मुख्तलिफ़ नाम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और रिएक्शन को करने के लिए हम मेटल आयन इंडिकेटर ही इस्तेमाल करते हैं यानी ये भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ही होंगे जो इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन इनकी ग्रिप हमारे स्कील एंड या लीगेंट की नस्बत वीक होगी इसीलिए हमारा लीगेंट उनको कैप्चर कर लेगा और सिर्फ उसी वक्त जब फ्री मेटल मौजूद हों या एंड पॉइंट आएगा तो ही ये इंडिकेटर अपना काम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स किए बग़ैर चूँकि इंडिकेटर मुख्तफ़ किस्म के कलर्स डिस्प्ले करते हैं वार्नर कोऑर्डिनेशन नंबर ये एक और कॉन्सेप्ट कि जो मेटल लीगेंट्स है वो कितने डेंटेट या कितने बॉन्ड बनवा सकता है एक लीगेंट के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी अकोमोडेटेड विद अ मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर और वार्नर ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि ये किसी मॉलिक्यूल की या किसी एटम की वैलेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि प्लस टू है या प्लस थ्री है प्लस फोर है कि इस बेसिस पे वो कितने लिगेंड्स अपने साथ अटैच कर सकता है बल्कि एक्चुअल जो फैक्टर यहाँ पे गवर्न करेगा वो कौन से वाला ऑक्टेट खाली है कौन से वाला जैसे बी एफ फोर बोरोन के केस में जो दूसरा साइकिल है वही मुकम्मल हो रहा है के के बाद एल साइकिल एल जो शेल है उसने मुकम्मल होना है और एल शेल मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है तो बी एफ फोर की फॉर्म में ये ऑक्टर टूल को फॉलो करता है और बात मुकम्मल हो जाती है एलमिनम इसके पास जो आउटरमोस्ट शेल है वो थर्ड शेल है इस थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं अट्ठारह ए एल एफ सिक्स अगरचे ट्वेल्व इलेक्ट्रॉनस ही अकोमोडेट हुए हैं लेकिन ये इस फॉर्म में भी बैलेंस रहता है इसे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के काबिल नहीं है तो वार्नर ने इस बात को सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि ये स्टीरिक फैक्टर है कितने कितना बड़ा मॉलिक्यूल है कौन से वाले शेल के अंदर वो अकोमोडेट करवा रहा है उसकी वैलेंसी भी डिपेंडेंट नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो जगह देगा बल्कि उसके साइज़ पे डिपेंडेंट है या उसके आउटमोस्ट शेल पे डिपेंडेंट है कितने लिगेंड्स या कितने बॉन्ड उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेटल आयन की केमिस्ट्री के बाद दूसरी केमिस्ट्री लिगेंड्स की केमिस्ट्री है जिसे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंट आइडीन फ्लोराइड हाइड्रोक्साइल, साइनाइड वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, इसमें से कुछ लिगेंड्स जो न्यूट्रल हैं और कुछ लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों फॉर्म में ही लिगेंड्स मौजूद होते हैं जो किसी भी मेटल आइन के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं बाज़ात एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को रिप्लेस भी करता है डिपेंड करता है कि किसका बॉन्ड अपने मेटलाइन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉग बनेगा कौन सा वाला किसको रिप्लेस कर सकेगा ये बायट लीगेंट्स हैं ऑक्जोलेट इथिलीन डायमीन डाइस एसिटाइल डायागज़ाइम इसे आमतौर पर डायमिथायल ग्लाइऑक्साइम या डी भी कहते हैं डाई पैराडाइल एसीटाइल एसिटोनेट बायडेंटेट लीगेंट सबके साथ हम देख सकते हैं कि ये दो जगह से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं दो जगह से ऑप्शन मौजूद है कि किसी मेटल आइन को ये कैप्चर कर सकते हैं ट्राइडेंटेट लीगेंट जैसे डाएथाइल ट्राई अमीन इसमें ये तीन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल हैं तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंट है इसमें चार नाइट्रोजनस हैं तो ये टेट्राडेंटेट लीगेंट है. और ई जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे इसे इथलिन इथिलीन डाई दो नाइट्रोजन मौजूद हैं टेट्रोइिटिक एसिड और ये हैगजा डेंटेड है इसमें चार तो साइड्स ये ऑक्सीजन की अवेलेबल हैं जो बॉन्ड बनाने के काबिल हैं और दो लोन पेयर नाइट्रोजन्स पे मौजूद हैं जहाँ से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ये रखता है तो कुल मिला के ये हैगजा यानी छः साइड्स अवेलेबल हैं जिससे ये किसी मेटल आयन को कैप्चर कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी साइड या छः साइड ही एक वक्त में इस्तेमाल हो रही हों या बॉन्ड बनाने के काम आ रही हूँ इन फिगर्स में हम देख सकते हैं कि मेटल आइन जो प्लस टू फॉर्म में प्लस थ्री फॉर्म में या प्लस फोर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके साथ ईडीटी के कॉम्प्लेक्सेस इन मुख्तु शक्लों में बन सकते हैं मेटल आइन प्लस टू फॉर्म में था इसलिए दो ऑक्सीजन तो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं जबकि दो नेगेटिव आयन यानी इनके साथ अगर सोडियम सॉल्ट है तो डाई सोडियम सॉल्ट मौजूद रहेगा वेलेंसी मुकम्मल हो गई है प्लस टू को बैलेंस करने के लिए दो ऑक्सीजन ने काम कर लिया है लेकिन ये दो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जो इसकी वेलेंसी पे इफेक्ट नहीं कर रहे ये जो हार्ड लाइन से बॉन्ड बने हुए हैं ये वेलेंसी को बैलेंस कर रहे हैं लेकिन ये जो एरोज़ हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये उस कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बॉन्ड की नेचर रेलेटिवली डिफरेंट है इस कोवलेंट बॉन्ड से और ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर को इफेक्ट नहीं कर रहा अगर एम प्लस थ्री फॉर्म में है तो हम देख सकते हैं कि तीन ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी को कंपनसेट कर रहे हैं और ये एक दो नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन या सोडियम पॉजिटिव एसीटेट एक एसीटेट इसमें फ्री रह गया है और अगर हमारा एम प्लस फोर की फॉर्म में है तो ये हेक्साडेंटेट लीगेंट इस तरह से छह साइड से इस मेटल आयन को कैप्चर करके कॉम्प्लेक्स बनाता है ई का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ या एनोलाइट के साथ एटम के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा ये मुख्तफ़ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है एक फैक्टर्स एक फैक्टर तो ये है कि नेचर और एक्टिविटी ऑफ मेटलाइन मैट, हर मेटलाइन एक ही जैसी एक्टिविटी के साथ ई के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता अक्सर मेटलाइन किसी खास पीएच पर ही ई के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम नॉर्मली बेसिक पीएच में ई के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जबकि बहुत सारे मेटल आइन एसिडिक पी एच में ई डी टी ए के साथ कॉम्प्लेक्सिस बनाने का काम करते हैं मुख्तलफ अगर इंटरफेरिंग आइंस मौजूद हों जैसे साइनाइड है या फ्लोराइड है तो वो भी ई डी टी -ए।, ए डी टी ए भी लीगेंड है और ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये इंटरफेरिंग सब हैं या कितनी मकदार में मौजूद हैं ये भी डिपेंड करता है कि ई डी टी ए का बॉन्ड किस तरह का बनेगा और कितना स्ट्रॉग बनेगा और आखिरी फैक्टर कि ऑर्गेनिक सोलेंट्स की मौजूदगी में डेफिनेटली ये ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा वाटर की मौजूदगी में इसके बॉन्ड्स नस्बता वीक होंगे